हेलो गाइस, वेलकम टू चियारा क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू योगी। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज रिसर्च एप्टीट्यूड के एनटीसी यूजीसी नेट 2021 पेपर वन के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है रिसर्च एप्टीट्यूड के। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, एक तो पहले मैं बता देती हूँ, सारे क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से पिछले पीवाईक्यूज भी हैं, इसमें इंक्लूड हो रखे हैं। ए रिसर्च इंटेंट टू एक्सप्लोर द इफेक्ट ऑफ पॉसिबल फैक्टर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इफेक्टिव मिड डे मील इंटरवेंशन, विच मैथड रिसर्च मैथड विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द स्टडी। गाइज, अब बताइए कि इसमें कौन सा अप्रोप्रिएट मेथड है, रिसर्च मेथड है इस स्टडी का। ये क्या एक्सप्लोर करना चाहता है? इफेक्ट ऑफ पॉसिबल फैक्टर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इफेक्टिव मिड डे मील इंटरवेंशन। इसमें कौन सा हिस्टोरिकल मेथड आएगा, डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड आएगा, एक्सपेरिमेंटल मेथड आएगा, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड आएगा। तो अभी इसका आंसर आप सोचिए कौन सा होगा। तो इसका आंसर होगा एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड में क्या होता है कि आपकी घटना घट चुकी होती है और उसके बाद में आप स्टडी करते हो, वहाँ जाकर आप चेक करते हो कि क्या ये चीज हुई थी या नहीं हुआ था। पॉसिबल आउटकम आप फैक्टर्स निकालना चाहते हो कि क्या हुआ, एक्सप्लोर करना चाहते हो, दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। इवोल्यूशन, सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। इवोल्यूशन रिसर्च इज कंसर्न विद, कौन से क्वेश्चन पे रिसर्च फोकस करता है? हाउ वेल आर वी डूइंग, व्हाई आर वी डूइंग, व्हाट आर वी डूइंग एंड एन ऑफ अबाउट। इवोल्यूशन रिसर्च क्या होता है? आपका एक बार आपने किसी चीज़ पे रिसर्च किया है और एट द एंड में इवोल्यूट करना चाहिए कि आपके ऑब्जेक्टिव, फॉर एग्जांपल कुछ ऑब्जेक्टिव आपने सेट किए हैं तो लास्ट में आप इवोल्यूट करते हो क्या वो फुलफिल हुए हैं या नहीं हुए, क्या वो क्राइटेरिया पर आप अप टू मैच किया है या नहीं किया है, दैट इज अ इवोल्यूशन रिसर्च। इंस्टेंट ऑफ, इसका आंसर होगा हाउ वेल आर वी डूइंग एंड द इंस्टेंट ऑफ फोकसिंग ऑन द प्रोसेस द इवोल्यूशन रिसर्च मेजर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल the objective are met or not. Now move on to third question. Which of the following does not correspond to characteristics of research? कौन सा नहीं है characteristics of research? Then first is does not correspond, यहाँ पूछा है। So that is the first is research is not a passive, research is systematic, research is not a problem oriented and research is not a process. तो obviously इसका answer आपको सभी को पता चल गया होगा, that is research is not a process. Obviously research is a process होता, step by step होता। Research is not a passive, right? Research is active and research सिस्टमेटिक, ये भी सही है। रिसर्च इज नॉट अ प्रॉब्लम ओरिएंटेड, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा रिसर्च इज इंस्पायर्ड एंड सिस्टमेटिक वर्क दैट इज अंडरटेकन बाय द रिसर्चर टू इंटेंसिफाई एक्सपर्टिस। एंड नाउ मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर द मेन टास्क ऑफ रिसर्च इन मॉडर्न सोसाइटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सोसाइटी हमारा मेन टास्क क्या है रिसर्च करते हैं तब। टू लर्न न्यू थिंग्स, ऑफकोर्स टू लर्न न्यू थिंग्स, टू कीप अ पेस विद द एडवांसमेंट इन नॉलेज, to systematically examine and critically analyze the investigation sources with the objective and all of above. Iska answer hoga all of above. Research is inspired and systematically work that is undertaken by researcher to intensify expert. Iska explanation ye hai. Obviously inspired systematically work hai, koi bhi research karenge hum step by step follow karenge, jaise pehle problem decide karenge kya problem hai, fir uske baad mein uska hypothesis banayenge, fir hypothesis banane ke baad mein uska design framework karenge, fir objective set karenge, aise karke step by step hai. And fifth question is the main aim of scientific method in research field is to, मैं नेम क्या है साइंटिफिक रिसर्च का? इम्प्रूव डाटा इंटरप्रिटेशंस, कन्फर्म ट्राइंगुलेशंस, इंट्रोड्यूस अ न्यू वेरिएबल, एलिमिनेट सस्पेरियस रिलेशन। दैन इसका आंसर होगा साइंटिफिक रिसर्च एम टू बिल्ड इन नॉलेज बाय हाइपोथेसिस, न्यू थ्योरी एंड डिस्कवरी लो। इसमें कौन सा है? दैट इज जो आपका फॉल्स रिलीजन है उसको एलिमिनेट करना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर परस्यूइंग रिसर्च। जब भी आप परस्यू करते हो रिसर्च को आफ्टर जेआरएफ, गाइस मैं आपको एक बात पक्का बोलना चाहती हूँ, जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद में या नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद में आपका एम है पीएचडी करना, तो सोच लीजिए ये रिसर्च जो यूनिट है आपको आगे जाके बहुत काम आने वाली है। प्रपोजल कैसे बनाते हैं, मैं भी सच बता रही हूँ, रिसर्च पेपर को लाइटली मत लीजिए। आप कोशिश कीजिए जितना डीप इसको स्टडी कर सको, बिकॉज द मैन आफ्टर, क्या उसके बाद में क्या रिसर्च, आपने जेआरएफ अचीव कर लिया उसके बाद में क्या आपको
प्रपोजल बनाना पड़ेगा पीएचडी में इंटरव्यू, मतलब पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए इंटरव्यू से पहले आपको प्रपोजल सबमिट करवाना पड़ेगा। तो आप अपने साथ में स्टेप बाय स्टेप आप साथ में टॉपिक भी डिसाइड कर लीजिएगा आपको पीएचडी कौन से टॉपिक में करना है। तो हम पहला स्टेप क्या करेंगे, डेवलप्ड रिसर्च डिज़ाइन, क्या रिसर्च डिज़ाइन बनाएंगे, फॉर्मुलेट रिसर्च क्वेश्चन, क्या फॉर्मुलेट रिसर्च क्वेश्चन करेंगे, या फिर डाटा एनालाइज प्रोसेस करेंगे, या फॉर्मुलेटिंग रिसर्च हाइपोथेसिस। इनमें से सबसे पहले आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चन। बिना रिसर्च के क्वेश्चन ही आप कैसे रिसर्च करोगे, तो क्वेश्चन होना जरूरी है। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट 7 क्वेश्चन। देखिए एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होगा, जो भी जितने भी रिसर्च के स्टेप्स हैं प्लीज़ गाइस सीक्वेंस वाइज याद कर लीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम में ये कोई भी शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पक्का आता है और मोस्ट ऑफ द शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कुछ ऐसे सेट क्वेश्चन होते हैं ना एग्ज़ाम में आना, तो ये वन ऑफ द महदैम है। The format, now move on the 7th question. The format of thesis writing is the same as in, ये तो सबको आता होगा, a research dissertation, ये format होता है। And 8th question में क्या हुआ, the principal school conduct an interview session of teacher and students with a view to explore the possibility of their enhanced participation in school program. This interview may be related to which type of research? देखिए इस principal of, जो principal school का वो interview session करना चाहता है teacher और student के बीच में, जो view है explore करना पॉसिबिलिटी ऑफ द एनहेंस पार्टिसिपेशन इन स्कूल प्रोग्राम में। तो इसमें कौन सा रिसर्च यूज होगा मेथड, आप सोचिए इवोल्यूशन रिसर्च करना चाहते हैं, फंडामेंटल रिसर्च है, एक्शन रिसर्च है या अप्लाइड रिसर्च है, आप बताइए। अब इसमें दिस इज़ अ एक्शन रिसर्च, बिकॉज इसमें एट द टाइम वो एक्शन लेता है इंटरव्यू सेशन में टीचर और स्टूडेंट के बीच में, एक्सप्लोर करना चाहता है उनके पॉसिबिलिटी ऑफ एनहेंस पार्टिसिपेशन इन स्कूल प्रोग्राम। नाउ हम बात करते हैं 9 क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन आप सोच लीजिए, दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन जो पैटर्न ही बन जाता NTA UGC का। ये वाला क्वेश्चन आप याद ही कर लीजिए, रटा होगा आपको। यदि आपने आप फ्रेश स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं बोलूँगी ये वाला एक्शन रिसर्च के जो सीक्वेंस है, स्टेप है, वो याद कर लीजिएगा, सबको आता होगा। आई नो दैट दैट इज़ अ प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। अभी आपको ईजी लग रहा होगा, बट कहीं ना एग्जाम में क्या होता है, सिली मिस्टेक होती है। प्लान रिफ्लेक्ट ऑब्जर्व एक्ट कर देते हो, या फिर मतलब ऐसा ही कुछ आपको लगे कि प्लान आ रहा है, तो प्लस प्लीज़ आप सिली मिस्टेक मत करना, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। तभी बोलते हैं जब बार 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 कब, क्योंकि ऐसा सिली मिस्टेक भी हुए हैं, इजी क्वेश्चन में भी सिली मिस्टेक हो जाते हैं अक्सर, तो मेक श्योर कि आपका ये सिली मिस्टेक ना हो। तो इसका आंसर होगा प्लान रिसर्च, एक्शन रिसर्च का जो स्टेप है दैट इज़ अ प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। जो ये साइकिल चलता है ना एक्शन रिपेयर का, पहले प्लान करते हैं, फिर एक्ट करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं, फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, दिस इज़ ये साइकिल चलती रहती है। एंड रिसर्च अटैम्प्ट टू, देन 10th क्वेश्चन में रिसर्च अटैम्प्ट, researcher attempt to evaluate the effect of method of feeding or anxiety, the proneness of children, which method of research would be appropriate for this? अब बताइए, आपको मैंने 3-4 बार इसके बारे में बता दिया, क्या होना चाहिए इसका पॉसिबल आंसर? इसका आंसर होगा एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड। मैं बार बार इसको क्यों लाना, क्यों ये क्वेश्चन आ रहा है बार बार, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ ऐसे सेट होते हैं, जैसे सर्वे मेथड हो गया, आप सबको पता होगा सर्वे मेथड क्या होता है, दैट इज़ एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड क्या है उसके बारे में, इवोलेट करना इफेक्ट को। फिर हम बात करते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट प्रेजेंट द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, डिज़ाइन ऑफ अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव एंड द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द स्टडी इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है जो एक्सपेक्टेड आउटकम होता है, दैट इज़ अ रिसर्च प्रपोजल। जो भी आप ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन और ये ऑब्जेक्ट, ये सारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव, डिज़ाइन ऑफ अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव, एक्सपेक्टेड आउटकम जिसमें लिखते हैं वो रिसर्च प्रपोजल में लिखते हैं हम। उसके बाद में आता है 12th क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन इज अ डायरेक्ट मैथड ऑफ कलेक्टिंग। ये देखिए ये क्वेश्चन ना प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च मेथोडोलॉजी के बाद है। जो प्राइमरी डाटा होंगे, जो फ्रेश डाटा हो बोलते हैं उनको, फ्रेश डाटा भी बोलते हैं और इनको बोलते हैं फर्स्ट हैंड डाटा भी बोलते हैं। इसका क्या होता है, इसमें पहली बार कोई फैक्ट फाइंड आउट किया जाता है, या फिर पहली बार कोई चीज़, बार बार मतलब पहली बार फ्रेश, जैसे इंटरव्यू करना चाहते हो, फेस टू फेस इंटरव्यू किया है आपने, पहली बार मुझे मिले हो, जाना है, दैट इज़ अ प्राइमरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, आपने मेरे बारे में बुक्स में पढ़ा हो, मैगजीन में पढ़ा हो, या फिर कोई क्वेश्चन हम जो सेकेंड हैंड जैसे न्यूज़पेपर में पढ़ लिया है किसी के बारे में, दैट इज़ अ सेकेंडरी डाटा।
तो ऑब्जर्वेशन मेथड इज अ डायरेक्ट मेथड, और इनडायरेक्ट मेथड क्या होगा, सेम यही सेकेंडरी डाटा इज इनडायरेक्ट मेथड. देन 13 क्वेश्चन में, व्हाट इज द नेम ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच रिसर्च इज कैरिड आउट. रिसर्च कौन से में कैरिड आउट करता है, जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाते हैं दैट इज अ रिसर्च डिजाइन. बिकॉज जो फ्रेमवर्क, जो रिसर्च करने से पहले हम जो रिसर्च करते हैं तब हम फ्रेमवर्क बनाते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन फॉर्मेट करते हैं कि हमें कैसे कैसे काम करना चाहिए, क्या क्या फोटो, क्या क्या आगे किस वे में हम स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे हम प्रोसेस करेंगे, दैट इज़ अ रिसर्च डिज़ाइन. एंड व्हाट 14 क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन. रिसर्च का मेन रोल क्या है एजुकेशन में, टू अपसर्च वन सोशल स्टेटस, टू इंक्रीज वंस जॉब प्रोस्पेक्ट, टू आर्ग्यूमेंट वंस पर्सनल ग्रोथ, टू हेल्प एन एप्लीकेंट इन बिकमिंग अ रिनोव्ड एजुकेशन. Obviously, that is a to help an applicant in becoming a renowned educationalist. Educational research can be defined as an assurance for reviewing and improving educational practice, which will result in becoming a renowned educationalist. Obviously, जो एक अच्छा educational बनाना चाहेंगे. This is the most important question. आप मैंने फिर again बोला research step को इनिशियल एक बार आपको नहीं याद होगा, आप कोशिश करके देखिएगा, बार बार आप इस क्वेश्चन को इसमें घुमा के दे देगा ये रिसर्च स्टेप ना, आप 101% आप करके चलिए ये वाला क्वेश्चन, आपको पक्का क्वेश्चन मिलेगा कोई ना कोई सब्जेक्ट में, पीवाई के इसमें आप उठा के देख लीजिएगा. तो कभी हम रिसर्च करते हैं तो पहले क्या करते हैं, कोई प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हैं, प्रॉब्लम क्या है रिसर्च की, फिर उसके बाद में हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसका आउटकम क्या होगा. हाइपोथेसिस क्या होता है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, क्या सही है हमने जो बनाया है हमने जो स्टेटमेंट बनाया है वो टेंटेटिव स्टेटमेंट सही है या गलत है, दैट इज़ अ हाइपोथेसिस. फिर उसके बाद में हम उसका डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन फ्रेमवर्क करते हैं कि कैसे हम उसको वो प्रूफ करेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे स्टेप प्रोसेस करेंगे, एक फ्रेमवर्क होता है. फिर हम उसके हिसाब डिज़ाइन बनाने के बाद में हम डाटा कलेक्ट करेंगे, उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे, कौन कौन से डाटा हैं, कैसे कैसे डाटा फॉर्मुलेट करेंगे. फिर उसके बाद में डाटा कलेक्ट करने के बाद में फिर हम उसको एनालाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे डाटा को, क्या सही है क्या गलत है, कितना ज़्यादा है, जनरलाइज करेंगे, एंड देन फॉर्मेशन एंड जनरलाइजेशन ऑफ कंक्लूजन, फिर एक कंक्लूजन पे आएंगे. इन सिंपल मैं बताना चाहती हूँ, पहले हम प्रॉब्लम ढूंढेंगे, प्रॉब्लम के बाद में हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, हाइपोथेसिस बनाने के बाद में हम डिज़ाइन बनाएंगे रिसर्च का, डिज़ाइन बनाने के बाद में हम डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा कलेक्ट करने के बाद में कंक्लूजन पे आएंगे, डाटा एनालिसिस करके कंक्लूजन में आएंगे. और ये पूरा पीएचडी का इसी यही स्टेप पे चलती है पूरी पीएचडी. आप कोई भी काम करते हैं तो आपको प्रॉब्लम भी बोलते हैं ना, ये आपका आगे का फ्यूचर, इस स्टेप पे आपका फ्यूचर डिपेंड करता है. ये बाद में समझ में आएगा जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद में, अभी नहीं समझ में आएगा, पर ये अच्छे से कीजिए. और मैं बोलती हूँ रिसर्च जितना अच्छे से करोगे उतना आपको हेल्पफुल है आगे फ्यूचर में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूचर्स आर कंसिडर एज क्रिटिकल इन क्वालिटेटिव रिसर्च. देखिए कौन सा क्रिटिकल है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, दो टाइप के रिसर्च होते हैं, दैट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या डिफरेंस है, जो क्वालिटेटिव होती है इसमें हम अप्रोच होता है बॉटम टू अप, और जो क्वांटिटेटिव होती है इसमें क्या चलते हैं अप टू बॉटम. इसमें क्या करते हैं हम थ्योरी से फैक्ट पे जाते हैं, इसमें क्या करते हैं फैक्ट से थ्योरी बनाते हैं. और ये होता है अपना दैट इज हम पर्टिकुलर टू जनरल बात करते हैं ना, तो इसमें हम बात करते हैं वही फैक्ट टू थ्योरी या पर्टिकुलर टू जनरल बोल दीजिए, और इसमें करते हैं हम जनरल टू पर्टिकुलर. ये होती है अपनी क्वांटिटेटिव, होती है अपना नंबर स्टैटिक्स में यूज़ करने के लिए, ये होता है अपना जो कि एविडेंस और जो एनालिटिकल प्रूफ. मैं बताती हूँ कि जो हम क्वालिटीज़ जो फाइंड आउट करते हैं दैट इज़, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे क्वेश्चन क्वालिटेटिव का क्या होता है कि एक न्यूटन थे जिन्होंने देखा सेब गिरते हुए, फिर उन्होंने अज्यूम किया कि सेब गिर रहा कैसे है, क्यों गिरा है,
लॉ ऑफ ग्रेविटी के कारण गिरा है, उसने प्रूफ किया है बाद में. फैक्ट उसको पहले पता चल गया कि सेव गिर रहा है, पर उसने प्रूफ क्या किया बाद में, प्रूफ किया कि ये थ्योरी पे कैसे गया वो, कि थ्योरी ऑफ ग्रेविटी कैसे, लॉ ऑफ ग्रेविटी कैसे, वो उसने प्रूफ किया उसके बाद में. 17 क्वेश्चन. टिपेट टेबल रेफर टू एस टेबल ऑफ रैंडम डिजिट, टेबल यूज इन सैम्पलिंग मेथड, टेबल यूज इन स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन, या ऑल ऑफ अबव. आई कैन से ऑल ऑफ अबव. टिपेट टेबल है जो फर्स्ट पब्लिश की थी LHC टिपेट इन 1927 में. अब 18 क्वेश्चन. इन ऑर्डर टू परस्यू द रिसर्च विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रायरली रिक्वायर्ड, सबसे पहले कौन सा रिक्वायरमेंट है. आई नो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, सबसे पहले है फॉर्मेटिंग ए रिसर्च क्वेश्चन, हमने इसके बारे में बहुत डिस्कस कर लिया. एंड नेक्स्ट, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी रिसर्च, इनमें से कौन सा फॉल है. तो इट रिकोगनाइज इन नॉलेज एज अ पावर, इट इज ए कलेक्टिव प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, इट इम्पसाइज पीपल एज एक्सपर्ट, इज सॉल पर्पस इज प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज. तो इसमें फॉल्स कौन सा है. आई सेड कि सॉल पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज ही नहीं होता, एंड एक्शन भी होता है साथ में. देन बात आती है 14, व्हाट आर 20 क्वेश्चन, व्हाट आर द कंडीशन इन विच टाइप वन एरर अकर, कंडीशन कौन कौन सी टाइप वन एरर में आती हैं. नल हाइपोथेसिस गेट एक्सेप्टेड इवन इफ इट इज फॉल्स, द नल हाइपोथेसिस गेट रिजेक्टेड इवन इफ इट इज ट्रू, बोथ द नल हाइपोथेसिस एज वेल एज अल्टरनेट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड, या नन ऑफ अबव. इसमें से कौन सा है. देखिए गाइस, टाइप वन और टाइप टू एरर होते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. टाइप वन एरर क्या होता है, जो सही होता है, ट्रू होता है, फिर भी उसको रिजेक्ट कर देते हैं. टाइप टू एरर क्या होता है, जो फॉल्स होता है, फिर भी उसको एक्सेप्ट कर देते हैं. बेसिक जो डिफरेंस होता है, और इसका मैं वीडियो बनाऊंगी डिटेल में, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये आप यदि अपने स्टडी स्टार्ट कर लिया तो गाइस इस पर पक्का ध्यान दीजिएगा, टाइप वन एरर और टाइप टू एरर पे क्वेश्चन आएंगे. अब आता है, व्हाट इज अ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च अप्रोच एक्चुअली डील विथ, लॉन्ग टर्म रिसर्च से डील करता है. एंड देखिए इसका आंसर भी है, नल हाइपोथेसिस गेट रिजेक्ट इवन इफ इट इज ट्रू, एंड टाइप वन एरर कैन बी डिफाइंड एज फर्स्ट काइंड ऑफ एरर, टाइप वन एरर होता है. एक बोलते हैं सबसे डेंजरस डेंजरस एरर कौन सा होता है, तो इसका ये ना इसमें दो चीज़ें, टाइप वन है या टाइप टू है, तो आई कैन से टाइप टू एरर है डेंजरस एरर. इसमें हर अलग अलग होता है. इन लॉन्ग टर्म रिसर्च में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच इज अ लॉन्ग टर्म रिसर्च इन विच द रिसर्चर कीप ऑन एग्जामिंग सिमिलर इंडिविजुअल टू डिटेक्ट एक्टर. थैंक यू सो मच गाइस, 21 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा. और PYQs जितना मैंने आधे क्वेश्चन PYQs से लिए हैं, और ऐसे ही हम प्रैक्टिस, ऐसे ही सीरीज़ हम और लेके आएंगे आपके साथ. और मैं कोशिश करूँगी 1000 सीरीज़ कवर करने की पेपर वन में, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, ऐसे करके आप देखिए. और ये वाले जो आपको यदि क्वेश्चन की PDF चाहिए, तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी. आप मैंने टेलीग्राम का लिंक मैंने अपने YouTube चैनल पे मेंशन करना है, आप उसमें लिंक में क्लिक कीजिए, और वहाँ से मेरा टेलीग्राम चैनल है नीतू योगी करके आप डालोगे ना टियारा क्लासेस, वो मिल जाएगा, तो आप प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा. थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय.